तो बात करते हैं जसनीत कौर के बारे में। तो भाई हमारे एक शो पे गए थे जिसका नाम है प्रेटी गुड रोस्ट। तो बंदा वहाँ पे ऑफेंड हो गया और बंदा शो के बाहर निकल गया। फिर बंदे ने इतना मैंने रुका, बंदे ने लीगल नोटिस भेज दिया शो वालों को। दरअसल आशीष ने प्रीटी गुड रोस्ट शो के एक वीडियो में अश्नीर ग्रोवर भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटाए जाने को लेकर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन अब अश्नीर के कानूनी एक्शन लेने के बाद आशीष को वीडियो से वो हिस्सा हटाना पड़ा। तुम कितने कायर हो भाई, एक तरफ तुम एक शो में जा रहे हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि तुमको पता है उस शो में क्या होने वाला है, फॉर्मेट क्या है उस शो का, और फिर तुमको बुरा लग गया भाई। एक काम कर, मम्मी को लेके आ जा अपनी अश्नीर भाई, क्या ना इन्हें जोक बना दिया मेरे ऊपर यार, इन पे केस कर दूंगा मैं। एक तो पहले मुझे बंदा पसंद नहीं भाई, मुझे ये दोबलापंती बहुत चुतियापा लगता है, मुझे इससे भाई घिनसी आती है। खुद को पहले तो इतना बड़ा बताता भाई चूतिया, अब तुम्हारी ईगो इतनी छोटी है कि तुम बहन जो एक शो पे बुरा मान चुके हो। इस बंदे को पहले शार्क टैंक से लात मार के बाहर निकाल दिया, फिर बंदे को भारत वैसे निकाल दिया, और फिर बंदा बना इन्फ्लुएंसर, वहां से बेकार दिखा रहा है। भाई कमा रहे होंगे करोड़ों में, लेकिन मैं इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता इसकी। ये बंदा मुझे बहुत ही गिरा हुआ लगता है, जिस तरीके से लोगों से बात करता है, जिस तरीके से लोग को हैंडल करता है, बहुत बेकार। हंसी आती है देख के, 40 साल की हो चुकी हो, तुम एक शो में आके बच्चे से हरकतें कर रहे हो। नहीं यार, तुमने मजाक कैसे उड़ा दिया भाई मेरा, मैं लीगल नोटिस भेज दूंगा तुम लोग को, मैं शो से निकल जाऊंगा। कितनी मन बुद्धि वाली बात है, अगर आपको बुरा ही लग जाता मजाक से तो भाई जाते ही नहीं उस शो पे। फिर तुम सोचो इन बंदे ने जोक्स लिखी होंगी, पूरी भाई मेहनत करी होगी, पूरा शूट किया होगा। फिर भाई हमारे असली कहते हैं कि नहीं यार वीडियो हटा दो तुम लोग, नहीं यार मुझे बुरा लग चुका है। और पता ये चला कि ये जो हमने एपिसोड शूट किया था, इसके बाद हमें हमारे गेस्ट ने बताया कि ये वाले जोक्स वो बिल्कुल नहीं झेल पाए हैं, तो अब हमें बहुत सैडली उनका पूरा पार्ट काटना पड़ेगा। इसके अगर मतलब यूज करूंगा तो भाई पता नहीं, शायद मेरे चैनल पर भी कॉपीराइट मार दे, तो यूट्यूब पर तुम्हें काफी सारी जगह मिल जाएगी क्लिप्स। मुझे पहले बंदा बहुत छूटा लगता है, मैं तेरी दुबले पंते निकाल दूं, मैं निकालता हूं बहन के लोड़े, एक जोक्स आने जा रहा, ज्ञान चोदने जाते हैं बहन के लोड़े। क्या कर रहे हैं यार तू, आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? अबे लोड़े अपना काम कर। तुम अमीर हो अच्छी बात, लेकिन शो में जाके बकचोदी करते ना ज्ञान चूतने की, भाई देखो यार स्टार्टअप शुरू करना तो ये करो, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा। अरे बहन के लो जो तुम्हारा काम है वो करो ना, और बोलने का तरीका भी होता है, पोलाइट तरीके से आप बोल सकते हो। एक शो में आयो कंटेस्टेंट को ये चूतिया ऐसा नीचे दिखाता है कि नहीं तुमको तो आता नहीं बहन, मुझे पता सब कुछ यार, और तुमको लग रहा है कि बहुत सम्मान वाला इंसान है या फिर ये बहुत एथिक्स वाला इंसान है। हमारे असली भाई रूडीज में गए, हाँ जो ये बहन के लोड़ा ज्ञान चूतता है कि स्टार्टअप में ये होता है वो होता है, बड़ी बड़ी बातें चूतता है, ये बंदा रूडीज में गया। रूडीज जैसा गावटी गवार जहाँ पे अनपढ़ लोग जाते हैं उस शो में गया ये बंदा। तो मेरे को एक सिंपल चीज बता, एक स्टॉक 90% गिर गया और उससे पहले वो 80% गिर। Shut the fuck up, no one cares। वहाँ पे जाके ही बकचोदी कर रहा है, तुझे नहीं पता क्या करना है, तू ये मत ले तू वो मत ले। अबे मोटे पुतले के पहले पेट कम कर ले। देखो पहली बात तो ये है कि मुझे घिनाती है इस बंदे से, और दूसरी बात ये है कि भाई मैं निकालो अपनी नफरत, मुझे चाहिए था मौके इस बंदे को गाली देने का, मुझे मिल गया। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना भाई याद से। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।